एक्सरसाइज 4.3 और क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट एंड द परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप -3/2। मतलब कि हमें एक पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4, -6। ठीक, ये एक पॉइंट हमें गिवन है जो कि एक लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। लेट्स सपोज ये एक लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ करके एक पॉइंट लाई कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -4, -6। अच्छा, इसी लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, एक हमें पॉइंट गिवन है इस लाइन के ऊपर जो लाई कर रहा है, और दूसरा हमें एक और लाइन जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। लेट्स सपोज ये एक लाइन है जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसके साथ ये 90 डिग्री एंगल बना रही होगी ये लाइन। ठीक है, अब इस लाइन जो परपेंडिकुलर लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है, ये रेड लाइन, इसकी स्लोप हमें गिवन है। ठीक है, इसकी स्लोप जो है वो हमें गिवन है, जिसको हम M1 कह देते हैं, और उसकी वैल्यू हमें गिवन है -3/2। अच्छा, स्लोप इसकी गिवन है परपेंडिकुलर लाइन की, और हमें ये जो दूसरी लाइन ग्रीन लाइन जो आपको नज़र आ रही है जिसके ऊपर एक पॉइंट लगा रहा है -4, -6, इस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं एक लाइन की? पॉइंट स्लोप फॉर्म है हमारे पास m(x-x1)=y-y1। सही, तो इसमें m जो है वो स्लोप हमें चाहिए होती है जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, जबकि हमें दूसरी लाइन जो इसके परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप दी हुई है। ठीक है, तो हम इस में एक वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स की। तो वो प्रॉपर्टी कैसे यूज़ होगी कि इस लाइन परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट जो है इस लाइन की स्लोप के प्रोडक्ट इस लाइन की स्लोप के साथ जो है उन दोनों का प्रोडक्ट लें, तो फिर वो -1 आना चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस लाइन की स्लोप को हमने M1 कह दिया, इस लाइन की स्लोप को हम क्या कह देते हैं M2 कह देते हैं, जो कि हमने फाइंड करनी है पहले। सही, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? वही प्रॉपर्टी, M1 जो है उसका प्रोडक्ट M2 के साथ लें तो -1 आएगा। सही, क्योंकि M1 जो है वो इस लाइन की स्लोप है, रेड लाइन, ठीक है, और M2 जो है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप है। सही, तो ये दोनों लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर M1 की वैल्यू पुट करते हैं। M1 की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है -3/2 × M2 आ जाएगा -1। अब इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है M2 जो कि इस लाइन की स्लोप है। ठीक है, जिस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, तो वो हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। M2 = -1 × -2/3। सही, अब यहाँ पर M2 = आ जाएगा 2/3। मतलब कि हमने उस लाइन की स्लोप फाइंड कर ली जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, M2 हमारे पास आ गया जो कि इस लाइन की स्लोप है, और दूसरा हमें क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट जो कि इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा हो जिसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, तो जो कि पहले से हमें गिवन है -4, -6, पॉइंट भी हमें गिवन है और दूसरा हम स्लोप फाइंड कर चुके हैं। तो मतलब कि अब हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। m जो है वो स्लोप है, जो कि रिक्वायर्ड लाइन ये है, इसकी स्लोप m2 जिसकी वैल्यू 2/3 है। m की जगह 2/3 पुट करते हैं, 2/3 × x वेरिएबल -x1। x1 जो है वो x कोऑर्डिनेट है पॉइंट का, ठीक है, जो कि उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, इसको x1 कहेंगे और ये y1 हो जाएगा। तो x1 -4 है उसकी वैल्यू, x-x1 = y-y1। y तो उसी तरह आ जाएगा -y1 जो है -6 है उसकी वैल्यू, तो ये बन गई इक्वेशन। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2/3 × x+4 = y+6। सही, अब ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको राइट साइड पे लेकर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि होल राइट साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा y+6। सही, अब यहाँ पर इसको 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ भी, 2x बन गया और 4 के साथ भी 8 बन गया, तो ये 3 जो है y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3y और 6 के साथ होगा तो 18। सही, अब इस इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2x
माइनस थ्री वाई प्लस एट माइनस एटीन इज इक्वल टू जीरो। ये मैंने क्या किया, टू एक्स पहले से यहाँ मौजूद था लेफ्ट साइड पे, ठीक है, और राइट साइड से थ्री वाई को मैं लेके आया जो कि वहाँ पे पॉजिटिव था, लेफ्ट साइड पे आके माइनस थ्री वाई हो गया, और प्लस एट पहले से यहाँ पर मौजूद था लेफ्ट साइड पे, और एटीन को मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके आया तो प्लस एटीन से माइनस एटीन हो गया, ठीक है, और राइट साइड में हमारे पास कुछ नहीं बचा, ठीक है, इसलिए वो जीरो है, इज इक्वल टू जीरो आ गया। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, टू एक्स माइनस थ्री वाई ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि कोई और एक्स नहीं है जो कि प्लस या माइनस हो रहा है इसमें, या फिर इसमें जो है वाई में कोई प्लस या माइनस हो रहा है वाई, ठीक है, कोई और वाई यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये इसी तरह वापस आ जाएंगे नीचे, ठीक है, और बाकी प्लस एटीन माइनस एटीन प्लस एट ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे और साइन माइनस का आएगा, क्योंकि 18 जो है बड़ा है इनमें से और उसके साथ साइन माइनस का है, तो 18 में से 8 निकाल दो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि डिफरेंट साइंस हैं, तो 10 बचा इज इक्वल टू जीरो। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन है, ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हम फाइंड कर चुके हैं, जो कि इस लाइन की इक्वेशन है, ये आपको जो लाइन नज़र आ रही है, सही है। तो अब इसका सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एक पॉइंट गिवन है, ठीक है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 11, -5, मतलब है कि उसी तरह से एक पॉइंट हमें गिवन है एक लाइन के ऊपर जो लाई कर रहा है, लेट्स सपोज ये लाइन है और ये पॉइंट है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन है जो कि 11, -5 है, सही, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद क्या है, एंड पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप -24, ठीक है, और इस लाइन के एक और पैरेलल लाइन हमें दी हुई है, ठीक है, लेट्स सपोज है एक ये एक लाइन है ये वाली, ठीक है, जो कि इस लाइन के पैरेलल है, सही, यानी मतलब कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल हैं, ठीक, तो इस लाइन की जो पैरेलल लाइन है उसकी स्लोप हमें गिवन है, उसकी स्लोप क्या है, -24, ठीक, इसकी m1 इसे कह देते हैं, इसकी स्लोप जो है m1 है और उसकी वैल्यू है -24। अब इस लाइन के स्लोप हमें गिवन नहीं है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो पॉइंट लगा रहा है वो तो हमें गिवन है, सही, और हमें स्लोप भी इसी लाइन की चाहिए होती है इक्वेशन फाइंड करने के लिए, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, वही प्रॉपर्टी देखें पैरेलल लाइंस की स्लोप्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि कोई सी भी दो लाइन्स जो आपस में पैरेलल होती हैं उनकी स्लोप्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, सही, तो इक्वल मतलब कि इसकी भी जो स्लोप होगी m2, उसको m2 से रिप्रेजेंट करते हैं, m2 इज इक्वल टू क्या होगी, वो भी -24 होगी, क्योंकि दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स भी इक्वल होंगी, ठीक है, जो कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एज एम दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो फिर इनकी m1 शुड बी इक्वल टू m2, सही है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल हैं, तो फिर इससे यही अंदाजा निकलता है, यही हम मतलब निकाल सकते हैं कि इन दोनों लाइन्स की स्लोप्स भी इक्वल हैं, तो m has m1 is equal to m2, तो m2 की वैल्यू आ गई m2 is equal to -24, और पॉइंट हमें पहले से गिवन है, पॉइंट जो है वो क्या है 11, -5, अब इसमें से x1 और x ये x1 हो जाएगा इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जो है y1 हो जाएगा, अब वही पॉइंट स्लोप फॉर्म हम यूज़ करेंगे m into x minus x1 is equal to y minus y1, सही, अब हमारे पास x1 की वैल्यू भी है, y1 की भी है, m की वैल्यू भी है, सही, वो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, -24 इंटू एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू है -5, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, -24 माइनस 11 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 264 बन जाएगा, सही, इज इक्वल टू वाई प्लस 5, इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो -24x - y + 264 - 5 इज इक्वल टू जीरो, ठीक, सब टर्म्स जो हैं वो मैं लेफ्ट साइड पे ले आया हूँ, राइट साइड पे जीरो बचा, तो ये बन जाएगा -24x - y और 264 में से -5, मतलब 5 जो है माइनस करें तो बचता है +259 इज इक्वल टू जीरो, ठीक, अब देखें x के साथ भी माइनस, ठीक है, और y के साथ भी, इसको पॉजिटिव बनाना हो तो पूरी इक्वेशन को हम
माइनस से मल्टीप्लाई कर दें माइनस वन से, तो इक्वेशन बन जाती है 24x प्लस वाई माइनस 259 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है, सही, जिसके ऊपर पॉइंट लाया कर रहा था। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है द पॉइंट्स ए बी सी एंड द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल शो दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट डी ऑफ ए बी एंड मिड पॉइंट ई ऑफ ए सी इज पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। अच्छा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं इस क्वेश्चन को, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, समझने वाला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करते हैं।